ईडी की तरफ से समन करके पूछताछ के लिए बुलाए गए साहिबगंज के एसपी नौशाद आलम ईडी दफ्तर नहीं जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार नौशाद आलम ने एक पत्र के माध्यम से ईडी से अगली तिथि की मांग की है। इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि पुलिस नियमावली के आधार पर उन्होंने पुलिस मुख्यालय से सुझाव मांगा है, इस कारण वे ईडी के दफ्तर में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। साथ ही इस बात का भी जिक्र किया है कि ईडी उन्हें दूसरी तिथि निर्धारित करे, वे पूछताछ में पूरा सहयोग के लिए तैयार हैं। गौरतलब है कि साहिबगंज के पुलिस अधीक्षक नौशाद आलम से आज रांची स्थित ईडी कार्यालय में पूछताछ होनी है। ईडी ने सवालों की लिस्ट तैयार कर ली थी। बताया जाता है कि यह पूछताछ साहिबगंज में हुए 1,000 करोड़ रुपए के अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में की जानी है। एसपी नौशाद आलम पर आरोप है कि उन्होंने अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग केस में गवा रहे विजय हंसा पर दबाव बनाया था। ईडी इन सारे मामलों की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार। सेलिब्रिटी हेयर स्टाइल एंड कलर, एडवांस स्किन ट्रीटमेंट, एयर ब्रश, ब्राइडल मेकअप और प्रोफेशनल एकेडमिक कोर्सेज के साथ द काया इस बार लाया है कुछ खास जो आपकी खूबसूरती में जगाए एक अलग एहसास।